आर्यन सेठ ये लीजिए आपकी अमानत, हम लोग अभी आते हैं ठीक है। अरे रात ले खोल, बेइज्जती करवा रहा है। अच्छा देख रहा था अगला कैसे खोलेगा एकदम जोर से, तो जैसा कि हमारा डिसाइड हुआ था बहुत टाइम पहले, हाँ तो जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि अपना जो घर है वो तैयार होने वाला है, उसमें मतलब ये समझ लो पिछले साल भर पहले तैयार हो चुका होता, मैं अब तक शिफ्ट कर जाते, लेकिन क्योंकि ये बीमारियां ऐसी चल रही है नई तो नई एक एक, तो सरकार हमारी लॉकडाउन कर देवे कभी कुछ कर देवे, तो फिर वो काम जो रहे वो रुक जावे। अब जा रहा है मेन गेट पे चला गया था कि, तो इस चक्कर में क्या हुआ हमारा प्रोजेक्ट जो था वो डिले होता गया, लेकिन अब वो फिर उसके बाद ना ओसी लेटर कुछ होएगा रहा है वो आ गया था, उसके बाद ये रह गया कि 3-4 महीने में तैयार हो ही जाएगा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर जो थर्ड वेव का चक्कर पड़ गया था तो वो भी कैंसिल होगा, मतलब अब आज से मेरे ख्याल में 3 महीने और लग जाएंगे शायद, या अगर कुछ दिक्कत हुई तो 6 भी लग सके, पर लास्ट 6 महीने लास्ट लगेंगे, लेकिन जो हमारा सब कुछ सेटअप था वो सारा कुछ तैयार हो चुका है मोटा मोटा, तो आज मैं तुम्हें दिखा के लाता हूँ कि हमारा क्या है क्या नहीं है। हमारा ये प्रधान जी तो देखे आए हैं, कैसा लग रहा है? मैं डेली देखता हूँ, बढ़िया, एक नंबर लग रहा है। तो अभी जो सैंपल फ्लैट भी उन्होंने तैयार करा, पहले कुछ और था जब हमने खरीदा था, लेकिन अब चेंज करा, तो इसने बताया घर आके हमने दिखाया, मैंने कहा यार ये तो बढ़िया लग रहा है, तो देखने लायक चीज है, मतलब आप लोगों को भी दिखाने लायक हो चुका है अब तैयार, तो अब हम एक बार चल रहे हैं वहां देख आएंगे कैसा है क्या नहीं है सारा सिस्टम, फिर आप बताना कि हमारा नया घर कैसा। अभी जो हमारा सामान रहेगा सारा अंदर का वो तो हम सारा चेंज करवाएंगे, अभी जो मैं तुम्हें सैंपल फ्लैट दिखाऊंगा उसमें जो रखा होगा वो वाला सारा वैसा नहीं रहेगा, कुछ पसंद आएगा तो उस टाइप का, नहीं तो कुछ पसंद आएगा तो चेंज। अभी तुम्हें सारा चेंज भाई, मैं मेरे रूम में ऐसा कर दूंगा आर पार, सोची ना होगी है। देखेंगे वो तो, क्या पता कोई चीज ऐसी हो बढ़िया लग जाएगा कि भाई ना बढ़िया लग रहा तो ऐसे भी रख ले, एक सके। एक ही चीज बढ़िया लगेगी बस, दिखाऊंगा वही बताऊंगा। अच्छा जी चलो तो चलते हैं देखने के लिए कैसे क्या करने हैं, यही उतरवा दे यहीं ले जाऊंगा। क्या करने तेन दे घोड़ा की हो राइड नोरा कह रहा हॉर्स राइडिंग करनी है, घोड़ा राइड करनी है यार मैंने वो हिंदी में वो इंग्लिश में नाम है बस और की तो घुड़सवारी क्या है या तो कि भाई प्रॉपर हिंदी या फिर हॉर्स राइडिंग क्या प्रॉपर इंग्लिश ही हो कि घोड़ा राइड सही है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए चलो समझ तो हम गए खैर। तो दाढ़ी मुझ कटवा ली थी गाइस मैंने, थोड़ा सा उम्र कम लग रही होगी अब तो मैं थोड़ा छोटा सा लग रहा हूँ बालक सा, पर अजीब सा लगे यार, मतलब एकदम से बाल कटवा थोड़ी सी वैसा हो जाता है अजीब सा चिकना सा आदमी ज्यादा, वो तो मैंने बहुत कम छोटी करवाई है, अगर मैं बिल्कुल प्लेन करवा लूं मतलब क्लीन करवा दूं तो तुम लोग कहोगे भाई क्या बुरे लगा एक नंबर, इसलिए मैं करवाता ही ना कभी। चलो अब कोई लेट ना करते हुए सीधा तुम्हें घर पे जाके मिलेंगे, थोड़ा सा रास्ता भी देखोगे क्या हमारे घर का नए घर का, ये लो यहाँ तक मुड़ते ही सीधा खुला रोड खुला आसमान इंगन सूर्यदेव, अभी तो खैर सनसेट का टाइम हो रहा है, और ये हमारी बिल्डिंग है ये पूरी ना, मतलब पूरी बिल्डिंग हमारी ना है, बिल्डिंग तो बहुत ही बड़ी होगी हमारा, इसमें अभी दिखाता हूँ तो कौन सा थर्ड फ्लोर ये वाला, हम सोच रहे थे बाहर गाड़ी खड़ी करते लेकिन जतिन शर्मा जी कह रहे हैं अंदर ही एंट्री करेंगे अपनी हबीबी की, सीधा पहचान गए। चलो यहाँ ये दूसरे नहीं लगे क्यों, अच्छा तनी लगवा रखे हैं गार्ड यहाँ के, तो यहाँ हमारी पार्किंग रहे करेगी आने वाले टाइम में, जो वैसी रहेगी वो विजिटर्स पार्किंग है ये वाली है ना, पर यो बड़ी चीज ना है, मतलब यो मेन चीज ना है, अभी मेन चीज तो मतलब यो अभी ये क्यों टावर है ना जैसे यो बन रहा है पूरा, जैसे ये पूरा होगा इंजन है ऐसे ही इंजन भी काम चल रहा है, देखो तुम्हें दिख रहा होगा इसके पीछे था थोड़ा थोड़ा ये यो काम चल रहा है ना सारा, तो इंजन भी एक टावर बन जाएगा, ये बीच में पता ना किस हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे, फिलहाल हमने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है, अब दिखाता हूँ तुम्हें आगे का नजारा, देखना यार क्या लग रहा बाबा, अगर पूरी बिल्डिंग हमारी होती तो मैंने तुम्हें पहले बताई थी, ऐसा मैं बचपन में सोचा करता, अब सपने और बड़े हो गए हैं। चल कहाँ तक जाना है, आ जा तो ओ यो गेट बन गया क्या, पहले तो कुछ और था ना सिस्टम, चल तो चल मैं बहुत पहले आया था जब हमने यहाँ लिया था तब, और उसके बाद एक बार और आया था मैं, मतलब हम तीनों आए थे मम्मी मैं हरियो चीतू तीनों, अब यो कुछ अलग सिस्टम बन गया है, मतलब सही सा लग रहा है यार अब तो, क्या होगा अच्छा लिफ्ट विफ्ट सब चालू है लिफ्ट, अब जब मैं आया था जब लिफ्ट का काम चल रहा था बनी ना थी, अरे वाह वाह साधना रे, पंखा बंद करना यहाँ तय हो रहा, पता ना था क्या पंखा बंद हो जाए। तो जो यहाँ दिखाए करें वो खुद आए बिना क्यों कैस्टर का दोबारा पंखा, रात ना लगेगा चल जाए होगा बंद, तो जो लिफ्ट जो यहाँ फ्लैट व्लैट दिखाए करे वो हमारे साथ आए बिना उनको सर आप देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, डेली आवे तू यहाँ ईंट वीट तो नहीं गिरवाई लगे, तो भाई ये देखो यो अब मैं तुम्हें तरीके से समझाता हूँ ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, जब मैं आया था ना, जब हम आए थे यहाँ तक सीढ़ियों होते, अब यहाँ गेट लग गया है, और मम्मी आप भी देख लो, मम्मी ने अपना पता ना
हम यहाँ आए थे सीडीन थे और यो एक फ्लैट था यो फ्लैट था ठीक है। अब हम यार ये लिफ्ट का काम चल रहा था और इंगे के फ्लैट भी बनने लग रहे थे। अब ये लिफ्ट भी बन चुकी है, इंगे ने फ्लैट भी बन चुके हैं। यो हमारा सर्वेंट रूम रहेगा, यो है 2BHK फ्लैट, मतलब लिफ्ट से बाहर निकलती यो 2BHK और यो 3BHK है ना, और वे भी 3BHK ऐसा कुछ सिस्टम है। 2BHK एक ही था, हमने पहले 2BHK बुक करा था, उसके बाद हमने चेंज करके 3 पे कर दिया। तो अब यो तो फर्स्ट फ्लोर है, हमारा थर्ड फ्लोर है, ऐसा कैसे सैंपल फ्लैट है इसलिए तुम्हें दिखाता हूँ। ये यहाँ से एंट्री, लग्जरी एंट्री, लग्जरी ले भाई, यो ऐसा सा यहाँ इनने कर रखा है, ये तो ज़्यादा खास ना लग रहा, चेंज करवाएंगे इसका कुछ हम। जो यहाँ टेबल वेबल सी रख रखी है ये भी बढ़िया ना लग रही इतनी, पर ठीक है कलर ठीक सा लग रहा, कोई दिक्कत ना ज़्यादा। जो यहाँ डाइनिंग रूम इतना ही रखेंगे छोटा, हाँ ठीक है इतना ही ठीक है, थोड़ा सा कलरफुल सा रखेंगे बस बढ़िया सा, मतलब थोड़ा ना वैसे ठीक है, ये कलर भी सही लग रहा है। टेबल वाइट रख देंगे बस इसकी जगह, काली सी की जगह है ना, देख लेंगे। झूमर वूमर से लग रहे हैं छोटे छोटे से, ये पंखा लग रहा है ना। ये हमारी किचन, ये मतलब अंदर घुसते ही एंट्री लेते ही ये आ गई अपनी किचन। किचन में को बाल ना इसमें अच्छा यहाँ क्यों लगेगा, ये खुलेंगे कैसे बेकूफ, कहीं और कुछ और सिस्टम है ओपन, हमें हाँ तो ये कुछ हो रहा है। ये किचन हो जाएगी ठीक है, ये तैयार हो चुकी है पूरी, ये थोड़ी सी इनकी अच्छी नहीं लग रही, हम जो बनवाएंगे वो अच्छी लगेगी। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ तक वो था यार, अभी ना कुछ भी ना कर रहा, फोर सीलिंग वगैरह कुछ ना कर रहा, हम तो पूरी प्रॉपर ढंग तक करेंगे वो तो ठीक है, पर मैं सोच रहा था कि यहाँ तक किचन में तो बालकनी है ना, थी पहले जब बना रहे थे तो हम कुछ शायद ऐसा बात कर रहे थे कि दे देंगे है ना। ये रहेगा भाई काम जाम, इधर का ऐसा देख लो ठीक है, सेट है मामला। अब तो मैं दिखा देता हूँ तीन रूम जो अपने रहेंगे, यार ये बढ़िया लग रही है ये ऐसे नॉर्मल सी चीज, तीन रूम दिखा देता हूँ किस किसके कौन से ठीक है। पहला रूम किसका है रूम बताता रहा, अरे घुसते ही ये जतिन शर्मा जी का रूम हो गया, ये देखो भाई ना तोड़ दे गद्दा ने, गद्दा पे ऐसे बाजा जैसे तकत पे ईंट वीट पे, ठीक लग रहा है मतलब बहुत बढ़िया ना लग रहा पर ठीक लग रहा है। रूम थोड़ा इंटीरियर सही कर रखा है इनने, वैसा तो ना दे रखा ज्यादा डार्क, ना दे रखा है ना कैडा ना है, पर हाँ मेरे मैं तो अलग ही रहूंगा। अरे ये इसके रूम तो बालकनी होगी भाई, चीको यार ये बढ़िया यार तेरे वाली भाई, ऊंची ऊंची कर दी उन्होंने दीवार सी, देखना मतलब इतनी ऊंची बालक वालक की मतलब सेफ्टी के तौर पे है ना ठीक है, गिरने गिरने का भी डर ना है। और हमने क्योंकि मम्मी ने डर ज्यादा लगा है तो इसलिए हमने ना ज्यादा ऊपर ना लिया, हमने थर्ड फ्लोर पे लिया, तो मम्मी ने वैसे तीन तक ठीक है, वैसे तो मम्मी ने छह की आदत पड़ गई वहाँ पर, मम्मी तब भी ना छह पे भी आए थे झांक ना लगा नीचे, कि मान लो वो नीचे खड़ा उन्होंने कहते हाँ मैं ना आ रही जा ऐसे, इतना ना है मम्मी तो, मम्मी दूर दिन होगी तो इस चक्कर हमने थर्ड पे लिया है, बेस्ट है हमारा अभी ये फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं। पेंट हाउस अभी दिखाएगा वो, किसी और दिन दिखा दे अभी व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, चल आ जा रूम दिखा दे, तेरा होगा ये गियर रखे, कलर कॉम्बिनेशन ठीक कर रखा है ना, किसी ढंग के आदमी से करवाया है ये इसका वॉशरूम होगा भाई साथ साथ। अरे मैं सोचा था यहाँ शीशा होगा, थोपड़ा देखूंगा अपना तो मैं भी दिखाऊंगा, बहुत देर तक देखी ना होगी शक्ल, पर नहीं है ये यो की चीज है, ये बढ़िया लग रही है वैसे हमारी छोटी सी है ना, हाँ सही लग रही है, क्या बोला है ना कुछ और बोलते हैं मशहूर है बोलेगा इन्हें कुछ और है जो भी है समझ जाना ठीक है। चलो भाई अब यो बाथरूम होगा, यो है कॉमन बाथरूम टाइप सा है ना, मतलब जो एक वो रह रहे ना सबका इस रूम में ना है साथ में है। अच्छा इस रूम का बाथरूम ये है कुल मिलाकर ठीक है, मतलब इस रूम के अंदर बाथरूम है, जैसे इसमें तो साथ में था इसमें ना, मम्मी का रूम ये मम्मी जी का रूम हमारे का ठीक है। अच्छा ये अभी रूम कौन सा किसका ये हमारा डिसाइड हुआ ना है, पर इसने मन मन में डिसाइड कर लिया कि कौन सा रूम किसका ठीक है, तो ये चेंज भी हो सकते हैं, तुम कभी ना सोचो कि ये फिक्स है सब कुछ हमारा, ऐसा कुछ ना है। बालकनी तुम्हें दिखाई थी उसकी अच्छी खासी बड़ी थी, अब ये देखो ये रूम हो गया ठीक है, ये ऊपर ऐसे लाइट सी कुछ ऐसे लगवा देंगे बढ़िया लग रही है ना, ये ऐसा रहेगा पूरा सेटअप। हाँ इसमें जो रखा मतलब देखो पर्दे उड़ देखो पीछे जगह, अब ये है मम्मी जी के रूम से बालकनी ठीक है, ये हमारा किचन वाला आगा, ये देखो बालकनी कितनी बड़ी है यहाँ तक यो बालकनी ऐसी है कि मतलब मैंने पहले भी मतलब अपने व्लॉग में ये बात कही थी कि जैसे कोई ऐसे रिश्तेदार हो ना जो कि ज़्यादा आ जाएगा कई बार जगह ना हो तो यहाँ खाट बिछ सकती है, तो आराम से देखो चौड़ी देखो ना कितनी एकदम 6 फुट की होगी कम से कम चीज को है ना, खाट या फोल्डिंग कुछ भी बिछा सके कोई दिक्कत ना है, अच्छी बड़ी है देखना यार बतेरी है मतलब बहुत है, इतनी तो बहुत होगा घरों में। ये यहाँ तक मम्मी के उससे रूम से व्यू हो जाएगा, ये साइड में कोई दूसरी वो बन रखी है ये उनका मतलब जो दूसरे टावर बन रहे हैं दूसरी का टेनिस वो है यो हमारे वाले। अच्छा यो इसका टेनिस वाला टेनिस ना यो की है यो बास्केटबॉल का यो तो बास्केटबॉल कोर्ट है यो हमारा ठीक है भाई, बास्केटबॉल ही ना बास्केटबॉल ना है बास्केटबॉल ही हाँ वही वो बॉल वाला हाँ वही है वो ठीक है समझ गए ठीक है हाँ वही 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 ठीक है भाई। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अपना रूम, चलो दिखाइए एक बार तू ही दिखाएगा
यार ये छोटी छोटी चीजें ना, जैसे ये और ये ठीक लग रही है यहाँ, सही लग रही है। मैंने तो बहुत बढ़िया ना कह रहा, पर ठीक लग रही है। ये मेरा रूम अरे के कर रहा यार, डैन डैन दे रहे हैं, तू लाइट बंद कर रहा है, पंखा मत चला भाई। यो मेरा रूम, यो कैसा रूम है यार, मेरे रूम में कुछ ज्यादा कम कलर कर रखे इन्होंने, पर ठीक है, है? अच्छा पर ठीक है, यो रूम भी क्यों यो बड़ा लग रहा है। मैंने तो सब तरह रूम उनमें बड़ा, यो मास्टर रूम है। अच्छा जी, मैं मास्टर रूम में रहूंगा क्या? हे भगवान, इतनी इज्जत मिल रही है क्या इसकी? बालकनी दिखाऊंगा तुम्हें अभी, एक ऐसे खुलेगा, ये बालकनी है भाई। अच्छा यो अलग है, ये मेरी छोटी है बालकनी तो ना, छोटी तो ना है यो, ठीक है मेरी भी बालकनी हो भी, मेरा भी यो व्यू रहेगा जो मम्मी के रूम पे था वो वाला थोड़ा सा, और इंगे का भी रहेगा जो इसके रूम पे था। ओयो इसके तेरे रूम की बालकनी हो रही, मैं इंगे तो कूद कर तेरे उसमें भी जा सकूं रूम में, है? हाँ तो सही है फिर तो सिस्टम। तो कुल मिला के मैं ऐसे मतलब मेरे रूम में फायदा है, क्योंकि मैं इधर का व्यू भी ले सकूं जो मम्मी के रूम पे, और जो इधर का व्यू भी ले सकूं जो इसके रूम पे, पर बस परे का ना रहेगा, ठीक है? पर है ना, इसमें बाथरूम तो है ना इसमें साथ में? हाँ ये और मास्टर बेडरूम है तो बाथरूम तो होगा ही, खैर अलमारी भी है इसमें तो। अच्छा जी, मैंने तो चाहिए ही ना अलमारी, ये बाथरूम होगा, शीशे यहाँ भी ना लग रहे यार अभी, क्यों शीशे अपने कैसे लगवाने रहे हैं, ये लगवा के ना देंगे, ये ना देगा कुछ भी, ये सब कुछ हमने लगवाना है बस, ए सी एसी देंगे 6 AC बस बस। तो जो भी तुम ये काम देख रहे हो ना, बेड पर्दे लकड़ी पकड़ी सब हमने खुद लगवाना है, ये यो जो यो यो फ्लोरिंग भी हो रखी है ना, यो भी ना करवाएंगे, है ना? ना करो, लकड़ी लगवाएंगे हमें करवाना सब, तो हम करवाएंगे फिर बढ़िया वाला करवाएंगे, गेट और एसी लगा कर देंगे बस। अच्छा गेट ऐसे ही रहेंगे सेम जैसे इसमें लग रहे हैं अभी? कैसे भी लगवाओ, नहीं वो लगवा के देंगे ना, नॉर्मल दे रहे हैं ससुरे, तो फिर वो तो ना लगे वहां यार, हम बढ़िया वाले लगवाएंगे गेट, तो सब कुछ हमने खुद ही चेंज करवाना पड़ेगा, तो इतना तो पैसा ही ना रहेगा पर करेंगे जुगाड़, कोई बात ना। ये तकिया भी बहुत गंदे रख रखे हैं जिसने भी रख रखे हैं, इसका तो रूम का चेंज करना चाहिए। खैर मम्मी आपका रूम खराब कर रखा है, इस तो बढ़िया बनाएंगे आपका रूम। चलो ये है भाई अपना पूरा सेटअप, ठीक है? जो अपना जो पेंट हाउस वेंट हाउस की कह रहा है वो किस दिन और दिखाएंगे, पर ये सीन अच्छा लग रहा है यार वैसे तो, यहाँ पे है ना कलर इन्हें वैसे ना रख रखे, डार्क कलर से रख रखे, थोड़े से वैसे रख रखे, सही लग रखे कलर कुल मिला, मतलब बहुत अच्छे नहीं लग रहे पर ठीक लग रहे हैं। बाकी अब तुम कमेंट करके बता देना कि अपना नया घर, मेरा गेमिंग रूम दिखाते हो। ओहो गेमिंग रूम, चल तू एक मिनट में आ रहा हूँ। जैसा वो गेमिंग रूम कह रहा है वो गेमिंग रूम नहीं है, वो सर्वेंट रूम है। जैसे अगर घर में कोई काम करने वाला रखना हो तुमने, तो ऐसा रहेगा ना कई घरों में कि भाई काम वाला रख रखे तो वो वहीं रह ले, क्योंकि कई रहे हैं ना ऐसे लोग, तो उसका रूम है, ठीक है? हमने इस तरह कह दी तेरा गेमिंग रूम है, खुश हो रहा फुल, दिखा के लाता हूँ, दिखा भाई तेरा गेमिंग रूम कहाँ है। गेमिंग रूम बढ़िया रहे मैं वैसे ही है, अरे वाह सही है, छोटा सा था। हाँ यहाँ जाएगी पूरे पे टेबल, यहाँ कुर्सी, पीछे पूरा साउंड प्रूफ करवा गए इसमें। अगर मेरा बड़े वाला रूम है उसमें मैं साउंड प्रूफ करवाऊँ तो बहुत ज्यादा लंबा छोटा काम जाओ है, वो पूरा पूरा एक बाथरूम भी है। ओ बेटे और हिंदी सीट, वाह इसको हम चेंज करवा देंगे, जो बालकनी में। अच्छा बालकनी कहाँ था, खिड़की है, विंडो ने कह रहा बालकनी बहुत बढ़िया लग रहा है, एक नंबर का रूम लग रहा है। कमेंट में बताना इसका रूम कैसा लग रहा है, बढ़िया कह रहे भाई सब लोग, कह रहे गेमिंग रूम बहुत बढ़िया लग रहा है, बड़ा होगा ना भी। अच्छा नौकर चाकर वाला रूम है इस तो बता दी किसी ने, हमने बेकार रखा था, बढ़िया। चलो यो इसके साथ भी बालकनी है भाई, जो यो के 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 कह रहे हैं ड्राइंग रूम जो है इसके साथ भी बालकनी, हां सॉरी हॉल जो भी है इसके साथ ये बालकनी होगी, और यहाँ यो वाला अपना व्यू होगा, ये सारे बने पड़े पहले थी। तो ये था अपना एक छोटा सा, तो मैंने कहा क्योंकि ना मैंने देखा ना था खुद भी, तो बढ़िया लगा भाई मेरे को। तो तुम कमेंट करके बताना कि हमारा नया घर तुम्हें कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा तो भी, ना बढ़िया लगा तो भी, अब तो यही है, अब क्या कर सके भाई, अब घर तो रोज रोज बदले ना जावे, इतना पैसा है नहीं हमारे पास, मतलब अभी तो जो बदल रहे थे वो अलग बात है, लेकिन अब यो हमारा परमानेंट वाला हो जाएगा जब बन जाएगा तब, अगर हम गुड़गांव में रहे तो। वैसे मेरा प्लान थोड़ा सा कुछ अलग है, बताऊंगा कभी आने वाले टाइम में अगर हो पाया सक्सेसफुल तो। फिलहाल के लिए करते हैं इस व्लॉग को यहीं खत्म, अगर तुमने यहां तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।